हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या होते हैं। यूजिंग इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वी कैन सेंड द डाटा टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड कैन प्रोसेस द एक्सटर्नल वर्ल्ड डाटा यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर से कोई भी डाटा एक्सटर्नल वर्ल्ड में ट्रांसमिट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक्सटर्नल वर्ल्ड का डाटा। एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब कि जैसे कोई फिजिकल डाटा हो, जैसे कि ये प्रेशर है, टेम्परेचर है आपका। अगर आपको इस तरीके से कोई भी प्रेशर टेम्परेचर आपको प्रोसेस करना है सिग्नल, तो आपको उसे पहले इनपुट लेना पड़ेगा सिस्टम में। और वो किसके माध्यम से लेंगे? वो लेंगे पोर्ट्स के माध्यम से। तो पोर्ट्स के माध्यम से ही हम कोई भी एक्सटर्नल वर्ल्ड से डाटा इनपुट में लेते हैं प्रोसेसर के लिए, और उसको प्रोसेस करके और फिर उन पोर्ट्स के माध्यम से ही उन्हें हम वापस भेजते हैं किसी भी प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी उनका उपयोग किया जाता होगा। दीज पोर्ट्स कैन बी एक्सेस बाय IO ओब्लिक एम बार पिन ऑफ मेमोरी बाय कीपिंग द सिग्नल हाई। यानी कि जो ये सिग्नल हैं वो कैसे एक्सेस होते हैं? वो इनपुट आउटपुट ओब्लिक मेमोरी बार पिन जो होती है उसे हाई करने पे आप पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आप देखिए, इसमें इनपुट आउटपुट ओब्लिक मेमोरी बार है। अगर आप इसको हाई रखेंगे तो इनपुट आउटपुट सिलेक्ट होगा, अगर आप इसे लो रखेंगे तो मेमोरी बार, यानी उसका बार होते ही वो मेमोरी जो है वो वन हो जाएगी, मेमोरी पिन वन हो जाएगी, तो वो आपका जो है मेमोरी को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप पोर्ट्स को एक्सटर्नल डाटा को इंटरफेस करने के लिए, एक्सटर्नल डाटा को बुला मतलब अपने सिस्टम के अंदर लेके आने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पोर्ट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा नॉन प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पोर्ट और एक होता है प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो जो नॉन प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, these ports cannot be programmed and basically used for data latching, device select, strobe signal, data input output lines। ये इनको प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, इनको डाटा लैचिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, डिवाइस को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, स्ट्रोप सिग्नल आपको बताया था उसके लिए करते हैं, या फिर डाटा को इनपुट आउटपुट लाइन जो हमें चाहिए होती है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, उसकी तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके के हमारे प्रोग्राम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, प्रोग्रामेबल कैसे होते हैं? प्रोग्रामेबल पोर्ट्स आर दोज विच कैन बी प्रोग्रामड बाय IO इंस्ट्रक्शन लाइक IOR एंड IOW। जो इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ऑपरेट होते हैं, प्रोग्राम किए जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल IO पोर्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डाटा ट्रांसफ़र मोड्स। अब डाटा किन किन मोड्स से ट्रांसफ़र हो सकता है पोर्ट्स के थ्रू वो देखेंगे। तो दो तरीके से हो सकता है, प्रोग्राम डाटा ट्रांसफ़र या फिर DMA डाटा ट्रांसफ़र। प्रोग्राम डाटा ट्रांसफ़र भी आपके तीन टाइप के हैं, सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र और इनपुट ड्रिवन डाटा ट्रांसफ़र। सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र में क्या होता है? सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र में सिंगल क्लॉक पल्स से ही आप ऑपरेट करते हैं सारे डिवाइसेस को, तो आप उसे सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र में आप जो है अलग अलग क्लॉक पल्स जो है डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज पे जो काम करने वाले आपके डिवाइसेस होते हैं उनको आप जब कनेक्ट करते हैं पोर्ट्स के थ्रू अपने सिस्टम से या अपने माइक्रो प्रोसेसर से, तो उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र। और तीसरा होता है इनपुट ड्रिवन डाटा ट्रांसफ़र। फिर एक है DMA डाटा ट्रांसफ़र, दूसरा मोड है डाटा ट्रांसफ़र का, और इसमें होता है बर्स्ट मोड एंड साइकिल स्टीलिंग टेक्निक। तो ये आपके बेसिकली डाटा ट्रांसफ़र के मोड्स होते हैं जिन्हें हम अभी और अच्छे से आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आगे देखते हैं, ये है आपका इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। तो इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट क्या होते हैं? इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट इज़ एन अल्टरनेटिव स्कीम डीलिंग विद इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट से डील करने के लिए एक अलग से जो एक स्कीम है उसे आप इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट बोलते हैं। इंटरप्ट इनपुट आउटपुट इज़ अ वे ऑफ कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट एक्टिविटी वेयर बाय अ पेरिफेरल और टर्मिनल दैट नीड्स टू मेक और रिसीव अ डाटा ट्रांसफ़र सेंड्स अ सिग्नल। यानी कि आपको जो भी डाटा ट्रांसफ़र करना है, जो भी पेरिफेरल कनेक्ट है, वो अगर डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है माइक्रो प्रोसेसर को कोई डाटा पहुँचाना चाहता है, तो वो रिसीव या सेंड सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगा पेरिफेरल, और उसके बाद इनपुट आउटपुट की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी।
दिस विल कॉज प्रोग्राम इंटरप्ट टू बी सेट एट अ टाइम एप्रोप्रिएट टू द प्रायोरिटी लेवल ऑफ द इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। इससे क्या होगा, जैसे ही डाटा ट्रांसफर के लिए कोई भी पेरिफेरल माइक्रोप्रोसेसर को सिग्नल सेंड करेगा तो वो एक इंटरप्ट की तरह माइक्रोप्रोसेसर के पास पहुंचेगा और फिर वो एप्रोप्रिएट माइक्रोप्रोसेसर जो है उस इनपुट आउटपुट इंटरप्ट को एप्रोप्रिएट प्रायोरिटी, जो भी उसकी प्रायोरिटी होगी उसके हिसाब से वो उसे लेगा। रिलेटिव टू द टोटल इंटरप्ट सिस्टम द प्रोसेसर एंटर एन इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। ठीक है, क्या होता है कि जो टोटल इंटरप्ट सिस्टम होता है, जिस इंटरप्ट को हैंडल करने का जो सिस्टम होता है प्रोसेसर का, ठीक है, वो तो प्रोसेसर क्या करता है, एक इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन के थ्रू उसको अपने अंदर वो अपने सिस्टम में उसे एंटर करवाता है। द फंक्शन ऑफ द रूटीन विल डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ इंटरप्ट लेवल एंड द प्रायोरिटीज दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोसेसर। यानी कि जो भी प्रोसेसर में उस पर्टिकुलर इंटरप्ट के लिए प्रायोरिटी होगी, किस प्रायोरिटी पे उस इंटरप्ट को आना चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए कोई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, जैसे ट्रैप है, ट्रैप हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, तो अगर कोई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है तो वो जल्दी उसको पिकअप करेगा और लो प्रायोरिटी इंटरप्ट को वो थोड़ा लेट पिकअप करेगा। तो इस तरीके से जो भी आपकी प्रायोरिटी होगी उसके हिसाब से जो रूटीन होगा, फंक्शन ऑफ द रूटीन होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से इंटरप्ट को वो पिकअप करता है। द इंटरप्ट टेक्निक रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बट मेक्स फार मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टाइम एंड कैपेसिटीज़। यानी कि जो इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए जो भी हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इंटरप्ट हैंडलिंग से क्या होता है, जो सिस्टम की कैपेबिलिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, वो इंक्रीज़ होती है और उसकी कैपेसिटी भी, उसकी वर्किंग कैपेसिटी में भी इन्हांसमेंट होता है। फॉर इनपुट द डिवाइस इंटरप्ट CPU when new data has arrived and is ready to retrieve by the system processor. The actual action to be performed depend whether the device use IO ports or memory mapping. तो जो इनपुट के लिए क्या होता है, जो डिवाइस इंटरप्ट द CPU when new data has arrived एंड रेडी टू रिट्रीव बाय द सिस्टम प्रोसेसर। यानी कि जब भी हम इनपुट देते हैं तो जो CPU को जो डिवाइस इंटरप्ट करता है, जो भी पेरिफेरल इंटरप्ट करता है डाटा, न्यू डाटा देने के लिए, तो वो डाटा जो है वो प्रोसेसर द्वारा रिट्रीव होता है, प्रोसेसर उसे रीड करता है, ठीक है, और जो भी उसका एक्चुअल परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स या मेमोरी से, वो CPU के माध्यम से और इंटरप्ट्स के माध्यम से ही परफॉर्म होता है। For output, the device deliver the interrupt either when it is ready to accept new data or to acknowledge a successful data transfer. Output कब देता है वो, जबकि जो भी नया data आया होता है वो उसको process कर लेता है, acknowledge कर लेता है और उसका successful data transfer हो गया होता है। Memory mapped and DMA capabilities device capable devices usually generate interrupt to tell the system they are done with the buffer. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं मेमोरी मैपिंग एंड DMA जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये भी जो है इंटरप्ट्स के फॉर्म में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है, और DMA काफ़ी पावरफुल होता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, तो इसको हम अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। हेयर द CPU वर्क्स ऑन इट्स गिवन टास्क कंटिन्यूसली। CPU अपने टास्क जो भी उसको मिलते हैं उसे कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है। व्हेन एन इनपुट इज अवेलेबल सच एज समवन टाइप्स अ की ऑन अ कीबोर्ड, जैसे कि किसी ने कीबोर्ड पे कोई की प्रेस किया है, देन द CPU इज इंटरप्टेड फ्रॉम इट्स वर्क टू टेक केयर ऑफ द इनपुट डाटा। तो CPU जो भी अपना काम कर रहा होता है उसमें उसको एक इंटरप्शन होता है, एक इंटरप्ट आता है और उसे वो जो डाटा इनपुट हमने कीबोर्ड के थ्रू किया है उसको हैंडल करने के लिए वो जो है अपना प्रोसेसर जो है अपना कंट्रोल उसकी तरफ ट्रांसमिट करता है। द CPU कैन वर्क कंटिन्यूसली ऑन अ टास्क विदाउट चेकिंग द इनपुट डिवाइसेज, अलाउइंग द डिवाइसेज देमसेल्फ टू इंटरप्ट इट इज इट एज नेसेसरी। ठीक है, तो CPU जो है वो कंटिन्यूस टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, और चाहे तो वो बिना किसी डिवाइस को, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको चेक करे बिना भी बाकी टास्क अपने परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटीज़ हैं जो बताइए आपको किस तरीके से CPU जो है कैपेबल होता है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द इंटरप्ट, इंटरप्ट के बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, CPU इशू रीड कमांड, ठीक है, CPU को जो है कमांड रीड करने के लिए मैसेज सिग्नल भेजता है। इनपुट आउटपुट गेट डाटा फ्रॉम पेरिफेरल, ठीक है, जब भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है वो पेरिफेरल से डाटा को लेके आता है CPU
के लिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरप्ट सीपीयू इंटरप्ट करता है सीपीयू को, बताया आपको, सीपीयू रिक्वेस्ट डाटा, सीपीयू डाटा की रिक्वेस्ट भेजता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ट्रांसफ़र डाटा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो बेसिकली ये फंक्शंस थे इंटरप्ट्स के। इंटरप्ट क्या क्या करता है, एंड अ डिवाइस ड्राइव इनिशिएट्स एन AIO रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसेस। ये आपको बता ही चुके हैं कि जो भी डिवाइस होता है वो इनिशिएट करता है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को, जो भी प्रोसेस की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग। द डिवाइस ड्राइवर सिग्नल द IO कंट्रोलर फॉर द प्रॉपर डिवाइस विच इनिशिएट्स द IO रिक्वेस्ट। ये आपको देखिए इसके माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है, जो ये एक फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है, किस तरीके से इसमें काम होता है। द डिवाइस सिग्नल ऑफ द IO कंट्रोलर दैट इज़ रेडी टू रिट्रीव द इनपुट, द आउटपुट इज़ कम्प्लीट और दैट एन एरर हैज़ जनरेटेड, ठीक है। द CPU रिसीव्स द इंटरप्ट सिग्नल ऑन द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन एंड कंट्रोल ओवर द इंटरप्ट हैंडलर रूटीन। तो इस तरीके से देखिए, ये आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इशू रीड कमांड टू IO मॉड्यूल, यानी कि जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से रीड कमांड दिया है, ठीक है, CPU को, CPU जो है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के लिए कह रहा है कि यू हैव टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा है रीड स्टेटस ऑफ IO मॉड्यूल, IO मॉड्यूल का जो स्टेटस है वो रीड होगा, ठीक है। चेक द स्टेटस, एरर कंडीशन को चेक करेगा। रीड वर्ड फ्रॉम IO मॉड्यूल, IO मॉड्यूल से जो वर्ड को रीड करेगा, ठीक है। राइट वर्ड इन मेमोरी, मेमोरी को राइट करेगा, और उसके बाद वो येस या नो में रिप्लाई करेगा कि अगर यह हो गया है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दीजिए, नहीं तो फिर वो वापस दोबारा अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। द इंटरप्ट हैंडलर डिटरमाइंस द कॉज ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट हैंडलर जो है वो कॉज निकालता है किस तरीके का इंटरप्ट आया है। परफॉर्म द नेसेसरी प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट अ रिटर्न फॉर्म इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इंटरप्ट का जो है फ्लो चार्ट आपको बना के बताया है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है, इंटरप्ट्स जो होते हैं इंटरप्ट से फास्ट और एफिशिएंट बनता है सिस्टम। डिसएडवांटेजेस, कैन बी ट्रिकी टू राइट इफ़ राइट यूजिंग लो लैंग्वेज प्रोग्राम, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा इंटरप्ट जब आता है तो प्रोग्राम लिखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। कैन गो टफ टू वेरियस पीसेस टू वर्क वेल टुगेदर, ठीक है ना, एक साथ इतने सारे काम परफॉर्म करना टफ तो होता ही है, तो आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी सिस्टम उसको किसी तरीके से मैनेज करता है। यूजुअली डन बाय हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर OS मेकर, एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट इसको बनाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या इसकी कॉम्बिनेशन होती है उसको ये इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट के लिए बनाते हैं। तो ये बेसिकली आपका लेक्चर था इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।